गुड आफ्टरनून। सो ये आपकी सेकंड क्लास है और जैसा कि आप सबको पता है कि साइंस जो है क्लास टेंथ की ये सीरीज वाइज चलेगा, है ना। और ये जो है सेकंड लेसन से स्टार्ट हुआ है। लेसन का नाम क्या है? एसिड बेस एंड साल। तो कल हम लोगों ने एसिड को यानी जितने भी केमिकल कंपाउंड्स थे उन सबको तीन पार्ट में ब्रेक किया था। उनके किस बेस पर? केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर ब्रेक किया गया था। और वहाँ चलिए एक बार क्विक रिवीजन करवा दिया जा रहा है। देखिए कल यही बताया गया था जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं, जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं सभी प्रकार के केमिकल कंपाउंड्स को उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर, सभी रासायनिक यौगिकों को उनके रासायनिक गुण के आधार पर थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया था। कल की क्लास में आप लोग फर्स्ट क्लास जाकर देख लीजिएगा सब, ताकि सेकंड क्लास आपको अच्छे से समझ में आए। देखिएगा यहाँ पर तीन पार्ट में, वो पहला था एसिड था, दूसरा था बेस था, और जो थर्ड था वो क्या था? साल्ट, है ना। और जहाँ पर आपने देखा था कि एसिड की प्रॉपर्टी देखी थी कि एसिड शब्द, आपने ये भी देखा था कि एसिड शब्द जो है ग्रीक वर्ड एसिड्स से बना है, है ना, एसिड्स से बना है, और इस एसिड्स का मतलब क्या निकल रहा था? सावर होता है। और इस प्रकार आपने देखा था कि जितने भी ऐसी कोई भी चीज़ जो कि टेस्ट में होती है सावर होती हैं, वो सारी चीज़ें एसिड होती हैं। जैसा कि आपने कल की क्लास में पूरा बकायदा देखा था कि इमली में, टेमरिंड में टार्ट्रिक एसिड पाई जाती है, आपका लेमन में, या जो है ऑरेंज में, है ना, लेमन में, ऑरेंज में, जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं सब में साइट्रिक एसिड था। सिरका जिसे विनेगर कहते हैं इसमें एसिटिक एसिड होता है। मैंगो और एप्पल में, इन दोनों में मैलिक एसिड पाया जाता है। फिर आपने देखा था कि एसिड का जो पीएच होता है और पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। एसिड का जो पीएच मान होता है लेस देन 7 होता है, बेस का होता है मोर देन 7 होता है, और जो होता है आपका साल्ट, साल्ट का पीएच मान क्या होता है? 7 के इक्वल होता है। सेम आपका वाटर, अगर पूछ लिया जाए वाटर का पीएच मान क्या होता है तो 7 ही होता है, है ना। तो इतना आपने देखा था। और एक टर्म आपने और देखा था कि जो एसिड होता, जो आपका एसिड था, एसिड क्या कर रहा था? एसिड वो कर रहा था ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर रहा था? ब्लू लिटमस को, एसिड ब्लू लिटमस को वो रेड में कन्वर्ट कर रहा था। और जहां पर आपने एक कॉन्सेप्चुअल देख लिया था कि एसिड ये डी से कंप्लीट होता है, कभी कंफ्यूज नहीं होगा, तो डी से डी रेड में ही है, तो एसिड क्या करेगा? ब्लू लिटमस को, नीले लिटमस पेपर को लाल में कर देगा। इसी तरह आपने देखा था जो बेस होता है, तो देखिए बेस भी ई से कंप्लीट है, है ना, तो बेस क्या करता है? बेस रेड लिटमस को इसका अपोजिट करता है, है ना, रेड लिटमस को वो किस में कन्वर्ट कर देता है? ब्लू लिटमस को, रेड लिटमस को ये कन्वर्ट कर देता है ब्लू। और देखिए ये ई से कंप्लीट है, लास्ट में ई इसके भी है, तो ई को ई से, है ना, और डी को डी से, ऐसे आप कभी भूलोगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होगी। चलिए फिर आज की क्लास में हम लोग शुरू करते हैं इसके आगे का। देखिए यहाँ पर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, समझ लीजिएगा इस चीज को। देखिए कभी भी अगर एसिड, कभी भी अगर कोई एसिड किसी बेस से रिएक्शन करेगा, ध्यान दीजिएगा, कभी भी कोई एसिड अगर किसी बेस से रिएक्शन करेगा तो देखिए एसिड का पीएच मान जो होता है वो होता है, क्या होता है? लेस देन 7 होता है, है ना यार, ये कंफ्यूजन साइन में रहता है, इसलिए आप लोग ये चीज लिख लो, लेस देन 7 रहता है, है ना। और जो बेस का पीएच मान होता है वो क्या होता है? मोर देन 7 होता है, यानी कि 7 से अधिक होता है। और देखिए जब कभी भी एसिड और बेस यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, एसिड का पीएच मान 7 से कम होता है लेकिन बेस का क्या होता है? 7 से अधिक होता है। जब दोनों एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं, रिएक्ट करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो यहाँ पर जो बनता है, यहाँ पर जो बनता है वो उसका पीएच मान ना तो 7 से कम रहता है, ना ही 7 से अधिक रहता है, बल्कि क्या रहता है? इक्वल टू 7 रहता है, 7 के इक्वल रहता है। मतलब एक प्रकार से ये क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है, है ना, एक प्रकार से ये क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन हो जाता है। तो कैसे होता है? देखिए जैसे यहाँ पर ये यानी कि प्राप्त होता है, न्यूट्रल सब्सटेंस प्राप्त होता है, और इसके साथ में एक चीज और याद रखिए, यहीं पर
कभी भी एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं तो एक न्यूट्रल सब्सटेंस तो प्राप्त होता है, लेकिन इसके साथ में वाटर जो है, वाटर प्रोडक्ट वाटर के फॉर्म में मिलता है, याद रखिएगा इस चीज को। जैसे अब एग्जांपल देख लीजिए, जैसे देखिए एग्जांपल एसिड का एक एग्जांपल ले लिया जाए, तो एसिड के एक एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जब ये बेस से रिएक्शन करता है ना, बेस का एग्जांपल ले लिया जाए NaOH है ना, NaOH, तो ये दोनों रिएक्शन करते हैं और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये दोनों NaCl जो कि साल्ट है और साल्ट का पीएच मान 7 है, इसके साथ में यहाँ का H और यहाँ का OH है ना, यहाँ का H और यहाँ का OH ये दोनों मिलकर बना लेते हैं जल। तो देखिए जल तो मिलता है, अब ये पूरी की पूरी अभिक्रिया जो है कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है, ये पूरी की पूरी अभिक्रिया क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है ना, तो ये कहलाती है, इसको हिंदी में कहते हैं उदासीनीकरण कहते हैं। तो ये पूछा जाता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, जब अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके ठीक साल्ट तथा वाटर को बनाते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। लिख लीजिए इसे ऐसे, लिखने के बाद ये परिभाषा लिख लीजिए, व्हेन ऐसे लिख लीजिए, पहले इसे लिखिए इसके बाद ये परिभाषा मैं लिखवा दे रहा हूं, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू इच अदर Each other, then it creates yeah, then be found, या आप लिख सकते हैं यहां पर, then टू फाइंडिंग ऐसे लिख लीजिए, देन टू फाइंडिंग द साल्ट एंड वाटर एज अ प्रोडक्ट है ना, एज अ प्रोडक्ट, दिस प्रोसेस अभी हिंदी में लिखवा दिया जाएगा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। लिख लीजिएगा हिंदी में, उदासीनीकरण वह अभिक्रिया है। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उदासीनीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके साल्ट तथा वाटर को उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, साल्ट तथा वाटर उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, फिर इसके बाद आपने एग्जांपल यहाँ लिखा ही है, यहाँ पर देखिए अम्ल और यहाँ पर क्षार, ये दोनों परस्पर अभिक्रिया करके ये साल्ट बन रहा है ना, जो कि न्यूट्रल, एक ये साल्ट है आपका है ना, ये चीज क्या है, साल्ट है, ये वाटर है, और यहाँ पर ये एसिड है और ये क्या है, बेस है, दोनों ये वाटर बना रहे इस तरह से, ये चीज एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा है ना, डन हुआ। तो ये पूछा जाता है न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया क्या है, या मान लीजिए पूछ लेते हैं कि आप साल्ट को कैसे बनाया जाता है ना, तो साल्ट को जो है एक तो नॉर्मल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के द्वारा क्या प्राप्त होता है, तो साल्ट प्राप्त होता है, इसके साथ में वाटर भी क्या होता है, हमें मिलता है, और ये एज अ प्रोडक्ट मिलता है उत्पाद के रूप में। चलिए अब एक डेफिनेशन लिखिए, एक हेडिंग बनाइए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है ना, लिखिए आर्हेनियस कांसेप्ट,
आर्गिनियस की अवधारणा, आर्गिनियस लिखेगा, आर्गिनियस कॉन्सेप्ट, आर्गिनियस कॉन्सेप्ट, आर्गिनियस की अवधारणा, इसमें लिखिएगा अकॉर्डिंग टू आर्गिनियस कॉन्सेप्ट, आर्गिनियस धारणा या आर्गिनियस अवधारणा के आधार पर, एसिड्स आर्दोज अम्ल वे होते हैं, आर्दोज डेट डेट रिलीज, डेट रिलीज एच प्लस आयन, जो हाइड्रोजन आयन डेट रिलीज एच प्लस मीन्स होता है हाइड्रोजन आयन आफ्टर डिजॉल्विंग इन वाटर, या आप कह सकते हैं आफ्टर आयनाइजेशन, आयनाइजेशन जो आयन के फलस्वरूप, जो आयनीकरण के फलस्वरूप या जो पानी में घुलनशील होने के बाद जो आयनीकरण के बाद या आयनीकरण के फलस्वरूप हाइड्रोजन आयन देते हैं, एसिड्स आर दोज डेट रिलीज एच प्लस हाइड्रोजन आयन आफ्टर आयनाइजेशन, जो आयनाइजेशन के बाद में क्या देते हैं H प्लस हाइड्रोजन आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं अम्ल कहलाते हैं। अच्छा, इसका जरूरत क्यों हुआ, इसकी जरूरत इसलिए हुआ, चलिए जैसे बताइए एसिड, पहले हमारे यहाँ यानी पहले जो हम लोग को पता था इस कॉन्सेप्ट के पहले ये मालूम था कि अम्ल वो होगा जो क्या होता है स्वाद में खट्टा हो। अब यार हर अम्ल को तो आप H2SO4 को अगर आप इसे चखेंगे तो पता लगा जीभ ही जल जाएगी, चखने के लिए रहेगी नहीं, मतलब हर प्रकार के एसिड को हम टेस्ट करके डिसाइड नहीं कर सकते हर प्रकार के एसिड को, क्योंकि उसका जो नेचर कैसा भाई, हो सकता है कोरोसिव नेचर हो, है ना, ज्वलनशील नेचर हो, तो इसलिए इसकी जरूरत हुआ। जैसे आप देखिए H2SO4 आपका एक क्या है, ये H2SO4 जब इसको एक्वा सॉल्यूशन बनाया जाएगा, मतलब जब H2SO4 का जलीय विलयन बनाया जाएगा, AQ का मतलब याद रखिएगा, AQ जलीय विलयन एक्वा सॉल्यूशन के लिए प्रयोग किया जाता है साइड में सिंबल, जब ये H2SO4 का क्या किया जाएगा जलीय विलयन बनाया जाता है, तब ये ब्रेक होता है 2H+ में और प्लस SO4- में, और ये भी इसका भी ये जलीय विलयन में ये रहता है, एक इसमें ब्रेक होता है और एक इसमें होता है, इसमें ब्रेक होता है। तो यहाँ पर देखिए आर्गिनियस ने यही तो कहा, जो जलीय विलयन में यानी आयनाइजेशन का मतलब जल में जब घोलेंगे तो वो आयन के फॉर्म में आएगा, तो प्रोसेस आयनाइजेशन हो गया, तो ये एच प्लस में देखो ये एच प्लस में क्या हो रहा है रिलीज कर रहा है एस, तो इसलिए क्या है आपका अम्ल है, क्लियर। और सुनिए अब इसी तरह सेम मतलब अगर बात किया जाए बेस की, अगर बात किया जाए बेस तो इसी का अपोजिट है ना, चलिए इसे लिख लीजिए, इसके बाद लिखिए बेस, या आप एग्जांपल और दिखा सकते हैं, जैसे HCl है, जब इसका एक और सॉल्यूशन होगा तो ये ब्रेक होगा H+ में और प्लस Cl- में, है ना, तो ये है आपका, ये भी एक और सॉल्यूशन ही है, ये भी है, यहाँ देखिए H+ आयन दे रहा है इसलिए क्या है अम्ल है ना, तो मतलब अम्ल में H+ आयनों की प्रेजेंस होती है, उपस्थिति होती है ना, इतना लिख लीजिए जल्दी। अब इसके बाद लिखिए इसी में अगले यानी कि यहां बेस के बारे में लिख लीजिए, लिखिए अकॉर्डिंग टू आर्गिनियस कॉन्सेप्ट, यहां पर कर दीजिए चेंज बेस, है ना, बेसेस आर दोज डेट रिलीज O+ आयन, है ना, जो क्या करते हैं लिख लीजिए चार हुए होते हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन, जो जलीय विलयन में OH- का मतलब हुआ हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल आयन, है ना, हाइड्रोक्साइड आयन,
एंड्स, छारुए होते हैं जो जलीय विलयन में आयनाइजेशन के पश्चात, है ना, जो आयनाइजेशन के पश्चात क्या देते हैं, OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं, वो कहलाते हैं छार कहलाते हैं। इसको मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी माना जाता है, है ना, अम्ल और छार की परिभाषा। क्लियर? और देखिए एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ये है NaOH है, है ना, NaOH जब इसको जलीय विलयन में ब्रेक किया जाएगा, ठीक, तो ये ब्रेक होता है, एक तो होता है Na प्लस में होता है और एक होता है OH माइनस में, ये भी जलीय विलयन में है और ये भी जलीय विलयन में है। अब यहाँ देखिए OH माइनस आयन दे रहा है, हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है, इसलिए NaOH क्या है आपका बेस। एक एग्जांपल और देख लीजिए, KOH है ना, KOH जब इसको जलीय विलयन में घोला जाएगा, जल का जल में सॉल्यूशन बनाया जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन, तो ये क्या जनरेट करेगा, K प्लस, एक तो पॉजिटिव आयन यानी कि ये भी रहेगा जल में ही रहेगा, है ना, और प्लस इसके साथ में OH माइनस रहेगा, है ना, तो ये, तो इसलिए क्या है, क्या है ये आपका बेस है मतलब क्षार। चलिए इतना लिख लीजिए जल्दी से, देखिए क्षार हुए होते हैं जो जलीय विलयन में घुल कर, है ना, या आयनाइजेशन के पश्चात क्या देते हैं, OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं। समझ में आ रहा हो भाई, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, इसके साथ में क्लास टू देखने के पहले क्लास सेकंड देख लीजिएगा जरूर, है ना, क्योंकि क्लास सेकंड जब देख लेंगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए फिर, थैंक यू, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर एक मैंने थोड़ा सा मिस्टेक बोल दिया मुझे लग रहा है, देखिए क्लास टू के पहले क्लास वन देख लीजिएगा आप लोग, है ना, और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ओके, थैंक यू गाइज, बाय बाय।